बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर अपनी जबरदस्त एक्टिंग से तो फैंस को दीवाना करते ही हैं, साथ ही वो अपनी डांस की स्किल्स की वजह से भी फैंस के चहेते रहे हैं। जब वी मेट, चांस पे डांस, कबीर सिंह, विवाह जैसे सुपरहिट मूवीज देने के बाद अब वो अपनी फिल्म को लेकर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि शाहिद के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि वो इंडस्ट्री में बतौर एक्टर नहीं बल्कि बैकग्राउंड डांसर के तौर पर अपना सफर तय करने के लिए निकले थे। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब उनके डांस ने एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का पारा हाई कर दिया था, क्योंकि उनकी वजह से करिश्मा को एक गाने में 15 रीटेक लेने पड़े थे। इसके पीछे की स्टोरी यही है कि जब वो इंडस्ट्री में नए आए थे तब उन्हें करिश्मा कपूर और शाहरुख खान की मूवी दिल तो पागल है में बतौर बैकग्राउंड डांसर काम करने का मौका मिला था। क्योंकि शाहिद कपूर नए थे इसलिए उन्हें सभी के साथ अपने डांस स्टेप्स मिलाने में दिक्कतें आ रही थी और करिश्मा उनकी इस हरकत की वजह से उनसे नाराज हो गई थी। नाराज होने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर गुस्से में पूछा कि कौन है जो ऐसी गलती कर रहा है। शाहिद की इस हरकत की वजह से करिश्मा को गाना शूट करने के लिए करीब 15 रिटेक्स लेने पड़े थे। शाहिद ने इस बात का भी खुलासा किया है कि वो करिश्मा से इतना डर गए थे कि वो उनके सामने नहीं आए और बाकी डांसर्स के पीछे खुद को छिपा लिया। हालांकि काफी मेहनत करने के बाद शाहिद कपूर ने इश्क विश्क फिल्म में एक्टिंग में डेब्यू किया और आज उनका नाम और काम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होता है। वहीं अगर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म जर्सी की बात करें तो फैंस इस फिल्म के बारे में अंदाजा लगा रहे हैं कि शाहिद की ये फिल्म भी उनकी लास्ट रिलीज कबीर सिंह की तरह फैंस को इम्प्रेस करेगी। 31 दिसंबर को शाहिद कपूर स्टारर जर्सी रिलीज होने वाली थी लेकिन ओमिक्रॉन की वजह से रिलीज को स्थगित कर दिया गया है और अब मेकर्स इस फिल्म को सीधा ओटीटी पर स्ट्रीम करने पर विचार कर रहे हैं। बहरहाल हमारी इस खबर पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।